रही हूँ नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है, देख लेते, बात कर लेते हैं आपसे। चलिए सबसे पहले तुला राशि वालों का लव लाइफ देखते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ तुला राशि वालों का हेल्थ एंड फैमिली। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ आपका प्रोफेशन हो, आपकी जॉब हो या आपका मनी मैटर्स हो। ओके नाइस, तुला राशि वाले के कार्ड अच्छे आए हैं, बस लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। बताती हूँ, मैं रीडिंग देती हूँ आपको क्या करना है आपको। आप इग्नोरेंस फील कर रहे हैं, आपको छुटका दिया है, जैसे आपको एकदम इग्नोर कर दिया है, आपको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया है किसी ने। लव रिलेशनशिप में या इमोशनल रिलेशनशिप में आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, अकेलापन तो है ही, उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि मुझे तनहा छोड़ दिया गया है, डिचिंग जैसी फील आ रही है कि मुझे डिच किया गया है या मुझे धोखा मिला है। नाउ यू फील वेरी अलोन और बिल्कुल तनहा आप अपनी राह में चले जा रहे हैं, यानी कि आपका कोई साथी नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद यू, कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे जो मेरा साथी था पहले, जो आपका पार्टनर था, वो आपके साथ, उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो दिस इज वेरी नेगेटिव कार्ड फॉर यू फॉर लव रिलेशनशिप। मैं आने वाले 7 दिनों की बात करूँ तुला राशि वालों की। अब मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ एंड फैमिली की। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है और बहुत ज़्यादा बड़ा कार्ड आया है, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। दिस इज अ वेरी स्मॉल कार्ड, दिस इज अ वेरी बिग कार्ड, ठीक है। द वर्ल्ड आया है, सब कुछ आपको मिलने वाला है और मिलेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अगर आप रेगुलरली अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, परेशान रहते हैं, तो बेटर होने वाली है। अगर आप अपनी फैमिली से परेशान हैं, तो बेटर होने वाली है। आप अपना खुद बहुत अच्छे से साम्राज्य बनाने वाले हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही है, उसमें सब कुछ है। आपका अच्छा पार्टनर है, आपकी अच्छी एक स्ट्रेंथ है, आपकी आपने अच्छा एक बैंक बैलेंस भी बनाया हुआ है। तो दिस इज़ अ रियली रियली वेरी गुड कार्ड, सैटर्न का कार्ड है। आपको बिल्कुल दिल खोल के, हाथ खोल के शनि देव है वो देंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एंड हाँ, माइंड योर कर्मास ऑलवेज, दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द लिबरल्स, लिटरली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब मैं बात करती हूँ आपके जॉब और आपकी प्रोफेशन या मनी मैटर्स की। तो यू आर द मजिशियन, यू आर द मजिशियन, यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बिकॉज हर चीज़ आपको पता है, आप में इतना दिमाग है, आप इतना क्विकली हर काम करते हैं कि आपको कई प्रॉब्लम्स आप आने ही नहीं देते हैं। और प्रोफेशन में तो यू आर वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो, सो आप इजिली उस चीज़ को सेटल कर लेते हैं कि मुझे करना क्या है, चाहे वो मनी मैटर्स हो या किसी के इमोशनल लेवल हो या कुछ भी हो। प्रोफेशन में, जॉब में, मनी मैटर्स में, यू आर द अमेजिंग एंड वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी क्विक पर्सन, यू आर वेरी अमेजिंग। एंड आपकी जो सोच है वो इतनी बियॉन्ड होती है कि लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड वेरी पावरफुल ऑल्सो, बिकॉज बहुत बड़ा कार्ड है। दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा बड़े आए हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। आने वाला जो वीक है आपकी प्रोफेशन लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। लव वाले की जो बात है उसमें प्रॉब्लम्स है, बट कार्ड छोटा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको डिच किया है तो इट्स ओके, उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे मैं यश और नो की बात कर लेती हूँ। तुला राशि वालों की बात कर रही हूँ, लेबल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपने सोच लिया होगा, मैं नहीं, ओके, पैसा आने वाला है। तुला राशि वालों के लिए हाँ है, जो क्वेश्चन आपने किया है उसके लिए तो हाँ ही है, और बहुत बड़ी हाँ है, यस, बहुत बड़ी हाँ है। डेस्टिनी आपकी किस्मत आपको देगी, और उसके साथ साथ मनी भी आपके पास आने वाला है। अपने एकदम खोल के रखिए अपने बैंक बैलेंस को, बैंक को, ताकि आप उसमें जमा कर सके, ठीक है। गुड लक है मेरी तरफ से बहुत बड़ा, एंड स्टेबलाइज, मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। गुड बाय।